अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा सैलड। बहुत हेल्दी होता है, बहुत यमी होता है और आपकी दावत के डिशेस में से एक हिट डिश हो सकती है। बहुत आसानी से बन जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल में सबसे पहले मैं डालूँगी हाफ कप मायोनीस। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून शुगर का आप डालेंगे भर के, 1/4 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून पाइनएप्पल का जूस, जो कि पाइनएप्पल टिन के अंदर मौजूद होता है। इस सब को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम सेब, जिनको मैंने काट लिया है क्यूब्स में। एक आलू था मीडियम, उसको मैंने बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया, वो शामिल किया। पाइनएप्पल चंक्स शामिल करेंगे 1 कप। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ उबली हुई गाजरें 1/2 कप। अब हम इसमें शामिल करेंगे उबला हुआ पास्ता या मैकरोनी 1 कप। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इस सैलड को 2 घंटे तक फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए, सर्व करने से पहले। और ग्लास में डाल के या किसी बाउल में डाल के आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी ये सैलड बनता है। ज़रूर इसको ट्राई करें और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट।